नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल अकाउंट समाधान। साथियों, आज बात करेंगे ये वीडियो में एक फीचर के बारे में जो टैली का इनेबल फीचर है। अब ये फीचर यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इसका फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। सिर्फ मैं डिस्कस करूँगा कि चीज़ क्या है और ये जो फीचर है ये किस तरीके से टैली में इनबिल्ट है। इसके साथ ही जब ये फीचर मेरे ध्यान में आया कि इसमें ऐसा टैली में हो रहा है, तो मैंने टैली सॉल्यूशंस पे कॉल किया टोल फ्री नंबर पे। पहले तो टैली सॉल्यूशंस इस बात को लेके ही कंफ्यूज थे, जो भी एग्जीक्यूटिव था, कि सर ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा आप मेरी स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपके साथ मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप देखिए और मुझे बताइए कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आज के वीडियो में डिटेल करेंगे कि वो ऐसा क्या फीचर है या कैसा क्या ऐसी चीज़ है जो टेली में इनेबल्ड है, और ये आप बताएंगे कि ये बहुत ही शानदार फीचर है टेली का या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अभी साथी कंपनी है ओपन की हुई है टेली प्राइम में। वाउचर एंट्री करते एक सेल्स का वाउचर रिकॉर्ड करते हैं। आज की डेट है, रेफरेंस नंबर दे देते हैं 1 2 3। पार्टी साथियों सेलेक्ट करते हैं, कुछ लेजर्स मैंने पहले से बना रखे हैं इस कंपनी में आप लोगों को बताने के लिए। लेजर क्रिएट करना, किस तरीके से लेजर क्रिएट करने हैं, किस तरीके से टैक्सेशन के जो लेजर्स हैं GST के, चाहे वो CGST है, SGST, IGST है, इस सब को लेके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लेजर क्रिएट कैसे करना है, उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है, इन सब को लेके यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। ABC ट्रेडर्स को हम कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए से सेव किया, सेल्स का लेजर सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए शर्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 100 पीसेस की सेल है, 200 रुपीज़ पर पीसेस रेट है। टोटल आइटम हो गया साथियों 20,000। CGST सेलेक्ट करेंगे और SGST सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ABC ट्रेडर्स है वो विद इन स्टेट की पार्टी है, यानी कि राजस्थान स्टेट का ट्रेडर है जो गुड्स है उसकी सेल कर रहा है, और जो बायर है ABC ट्रेडर्स वो भी राजस्थान में है, तो इंट्रा स्टेट सेल इसको बोलते हैं। और यदि सेल स्टेट के बाहर है तो उसको इंटर स्टेट सेल हम लोग बोलते हैं। अभी आप देखेंगे साथियों, अच्छे से हमने एंट्री है वो रिकॉर्ड कर ली है सेल की, प्रॉपर तरीके से GST है वो भी कैलकुलेट हो गया है। अब जिस फीचर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है साथियों, टेली का F12 जो कि है कॉन्फ़िगरेशन का बटन। चाहे आप टेली ERP यूज़ कर रहे हैं, चाहे टेली प्राइम यूज़ कर रहे हैं, दोनों में F12 फिगर है जो कॉन्फ़िगर करता है। F12 फीचर जो इसका बटन है वो अपने आप में बहुत ही कमाल का बटन है, जिसमें आप अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि साथियों जो टेली बनाया गया है इसको वेराइटी ऑफ बिजनेसेस हैं वो यूज़ करते हैं। कोई सर्विस सेक्टर में बंदा काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कंसर्न में काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, और इसमें भी अलग अलग ट्रेड्स हो गए। कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल में काम कर रहा है, कोई किसी और सेक्टर में काम कर रहा है, सबके लिए सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, वो है टेली। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर ट्रेड की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो अलग अलग होती है। तो F12 जो कॉन्फ़िगरेशन का फिगर है, बटन है, उससे आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है साथियों, F12 कन्फिगर का जो बटन है साथियों, जब आप
टेली में काम कर रहे हैं और आपके पास एक से ज़्यादा कंपनीज है, उनके अकाउंटिंग का काम है और आपको एक कंपनी में रिक्वायरमेंट कुछ चाहिए, दूसरी कंपनी में रिक्वायरमेंट कुछ और चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। लेकिन टेली में एक इनबिल्ट फैसिलिटी ये है, अब ये फैसिलिटी है या तकलीफ़ है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी एक कंपनी में, तो वो कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी कंपनीज आपने क्रिएट करी हुई है टेली में, उस पर्टिकुलर पीसी पे या लैपटॉप पे, सब में वो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड हो जाती है। सही सुना साथियों आपने, एक कंपनी में जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वही कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी कंपनीज आपने क्रिएट करी हुई है सब में इनेबल्ड हो जाती है। कैसे होती है कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों। सेल परचेज की एंट्री करना, अकाउंटिंग करना, ये सब आपके रोज़ाना के काम है जो डे टू डे बेसिस पे आप लोग करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इससे आपकी समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती है तो अनुभव बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है तो काम करने का जो तरीका है उसमें निखार आता है, नॉलेज तो अपने आप बढ़ी जाती है। तो इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं F12 बटन प्रेस करके। जब आप F12 बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास इस तरीके से विंडो है वो ओपन हो जाती है। अभी साथियों एक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। ये आप देख पा रहे हैं, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसमें यस किया हुआ है, इसको कर देता हूं मैं नो। ये कंपनी समाधान ट्यूटोरियल है जिसमें हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है। यहाँ पे बिल नंबर हम सेव कर देते हैं, बिल नंबर 123, और ये अपना सेल का वाउचर है साथियों, सेव हो गया, एक्सेप्ट किया। अब जब हम टेलीप्राइम की किसी और कंपनी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो अपन ने चेंजेस किए हैं या जो कॉन्फ़िगर किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी कंपनीज में हो जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, सेल का जब हम करेंगे, आज की डेट है 26/11, 123, पार्टीज नेम में ABC ले लेते हैं, सेल करते हैं। जैसे ही आपने आइटम है वो एंटर किया, आपने देखा साथियों यहाँ पे किसी तरीके की इसने एडिशनल डिस्क्रिप्शन जो स्टॉक आइटम की हम लोग देते हैं वो इसने डिमांड नहीं करी है। सिंपली आप सेव कर देंगे इसको, तो कहीं भी आपसे ये सॉफ्टवेयर एडिशनल डिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहा है। इसके साथ हम वापस चलते हैं साथियों, पहले जिस कंपनी में हमने चेंज किया है, सेलेक्ट करते हैं हम समाधान ट्यूटोरियल को। यहाँ पे सेल का एक वाउचर हमने रिकॉर्ड किया अभी, ये वाला। अब हम साथियों करते हैं F12 कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद वापस जाते हैं प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, और इस ऑप्शन को हम कर देते हैं यस, कंट्रोल ए से सेव किया और इसको कर दिया बंद। अब हमको चलना है साथियों वापस से समाधान, जो अपनी दूसरी कंपनी है, या हम वाउचर सेव करेंगे, आज की डेट, बिल नंबर, पार्टी सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया। अब आप देखेंगे साथियों कि आपसे यहाँ पर भी जो आइटम का डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन जो हमने यस किया है, उसकी डिटेल आपसे मांग रहा है। जबकि पहले जब हमने इसको नो कर दिया था ऑप्शन को, तो ना तो ये वहाँ पे मांग रहा था न यहाँ पे मांग रहा है। यानी कि F12 कॉन्फ़िगरेशन में चाहे वो
एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम है, चाहे कोई सेल्स इनवॉइस में आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, हर चेंजेज जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप एक कंपनी में करेंगे, वही कॉन्फ़िगरेशन चाहे आपने 5 कंपनीज के अकाउंट्स खोल रखे हैं चाहे 10 के हैं, सब पे इनेबल्ड हो जाएगा। अब ये टैली का फीचर बेहतरीन है या प्रॉब्लमेटिक है, इसका फैसला साथियों आपके हाथ में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे नोटिस में जैसे ही चीज़ आई तो मैंने आपके साथ शेयर करना इसको ज़रूरी समझा। एक चीज़ और देखते हैं साथ में, इसको करते हैं क्लोज साथियों, फिर से हम जाते हैं जिस कंपनी में हमने सेल का वाउचर सेव किया है। अब सेव करते हैं साथियों इसमें एक सर्विस का आइटम, वाउचर पे गए, आज की डेट 333, इसको वाउचर का नंबर दे देते हैं, सर्विस है तो एबीसी लॉजिस्टिक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लिया, ओशन फ्रेट है यहाँ पे आप देखिए, वापस से ही आपसे डिस्क्रिप्शन की जो है डिटेल मांग रहा है आइटम की, कि आइटम का जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। आते हैं जीएसटी में, क्योंकि एक फीचर मैंने आपको दिखाया है जो आइटम में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरा हम देखते हैं जिसका इम्पैक्ट आ रहा है टैक्स पे। जीएसटी डिटेल्स में आप साथियों देखेंगे मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, ये ऑप्शन अभी नो है, अब इसको हम कर देते हैं यस, यस करके करेंगे सेव। ओशन फ्रेट हमने लिया, डिस्क्रिप्शन आइटम की दे दी, क्वांटिटी 1 है मान लीजिए, 20,000 का रेट है, सीजीएसटी हमने कैलकुलेट किया, एसजीएसटी कैलकुलेट किया, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से अपना सेल का वाउचर है वो सेव हो जाएगा। चेंजेस कहाँ किया हमने साथियों, जीएसटी का जो रेट सेटअप है उसमें। अभी हम चलते हैं वापस से दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी में गए, सिंपली यहाँ भी वाउचर्स में जाएंगे और आज की डेट में कोई भी एक सेल का वाउचर है वो बुक करते हैं। अब आप देखेंगे साथियों जैसे ही आपने सेल का लेजर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, अब आपसे टैक्स का क्लासिफिकेशन मांग रहा है। ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो जीएसटी में पहले ऑप्शन नो था टैक्स का क्लासिफिकेशन, उस ऑप्शन को कर दिया हमने यस, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपका इस कंपनी पे भी इम्पैक्ट उसका आ रहा है। तो हमने दो ऑप्शंस देखे हैं, मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, लेकिन साथियों ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप खुद इसको एक बार टेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको लगे। और आप यदि मल्टी कंपनीज का काम कर रहे हैं, आपके पास एक से ज़्यादा यदि कंपनीज का काम है, 2 है 4 है 5 है जितनी भी है, आप किसी भी एक कंपनी में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में जितनी भी कंपनीज है बाय डिफ़ॉल्ट उन सब में हो जाएगा। टेली सॉल्यूशंस में मैंने बात करी है, उन्होंने मुझे राइटिंग में एक रिवर्ट भेजा है ईमेल के थ्रू, वो ईमेल भी मैं इस वीडियो में आपके साथ उसका स्क्रीनशॉट है कोशिश करूंगा कि वो शेयर हो जाए, तो आप लोग भी देख पाएंगे कि टेली सॉल्यूशंस की तरफ से मेरे पास जवाब क्या आया। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, टेली सॉल्यूशंस ने इस जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स है इसको माना है डिफेक्ट, उन्होंने बोला है कि ये एक डिफेक्टिव वे है, आने वाले जो रिलीजेज हैं टेली के, यानी कि जो टेली का 3 वर्जन है उसमें भी ये सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, टेली का जो टेली 4 रिलीज आएगा माइट बी उसमें ये सॉल्यूशन है टेली आपको प्रोवाइड करा दे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोग इस बारे में अवेयर हो सके। कई बार क्या होता है साथियों,
जब खास तौर पे जो नए साथी नए अकाउंटेंट हैं वो काम कर रहे हैं, और उनके पास क्योंकि फुल टाइम जॉब में भी कई बार उनको एक से ज़्यादा कंपनीज का है काम देखना होता है, तो वो कन्फिगर करते हैं किसी एक कंपनी में, कोई भी फीचर इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो सभी में हो जाता है। तो जब वो दूसरी कंपनी ओपन करते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तब उनको दिक्कत आती है। वो देखते हैं कि अरे पहले तो ऐसे हो रहा था, अब ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, जबकि 2 दिन पहले यही काम हम कर रहे थे तो उसमें इस तरीके से हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता लग सके कि ये बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग है। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।